साथियों, पेड़ और फल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। सब कहते हैं कि जैसा पेड़ वैसा फल और जैसा फल वैसा स्वाद। ठीक ऐसा ही रिश्ता होता है सेहत और शरीर का। जैसी सेहत वैसा शरीर और जैसा शरीर वैसा सुख। इन तीनों यानी सेहत, शरीर और सुख को समझने के लिए जरूरी है हेल्थ एजुकेशन। कैसे आप रख सकते हैं सेहत, शरीर और सुख को अपने जीवन में हमेशा, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर एंड अ वेरी प्रोमिनेंट हेल्थ एजुकेटर और पूरे हिंदुस्तान की एक जानी मानी चहेती शख्सियत डॉक्टर एस के जैन। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उनके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेहत, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेहत के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट और हेल्थ एजुकेटर डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जहां एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा ये आम लोगों को उनकी सेहत संबंधी समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर एस के जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर एस के जैन को उनके सराहनीय प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर एस के जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। साथियों, हमारे बीच हैं डॉक्टर एस के जैन और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। इस एपिसोड का एक एक शब्द कीमती है, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टर साहब, शंकाएं तो बहुत हैं मन में, बहुत सारे सवाल दिमाग में उभरे हैं, पर सबसे मैंने एक छोटी सी लिस्ट मन ही मन में बनाई है, लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर जो सवाल है वो ये है कि आजकल तो तनाव से भरी जिंदगी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, राइट नाउ, और तनाव किस बात का है यही समझ में नहीं आता। मतलब पहले कैसे ये होता था कि जिंदगी बहुत आसान थी, सहज थी, आजकल हम बाहर निकलते हैं तो अरे मोबाइल लेना है, ये लेना है, वो लेना है, डेडलाइंस हैं, ये हैं, वो है, तो इसकी वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स, इस तनाव की वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? देखिए वर्षा जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और एक्चुअली क्या है कि लाइफ के कई सेगमेंट्स होते हैं। अगर उसको थोड़ा सा आयुर्वेद के विद्वानों के हिसाब से कहा जाए तो कहते हैं कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो संस्कृत हो गया जी, इसका मीनिंग अर्थात जिंदगी के 25 साल तक आदमी अपनी स्टडी करता है और उसके बाद में धन का अर्जन करता है बहुत ही ऑनेस्टी से, और आफ्टर द 50 और 60 ईयर्स थोड़ा सा धर्म की तरफ अग्रसित होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल यंगस्टर्स जो स्टडी में हैं अथवा जो धन कमाने के लिए निकले हुए हैं, उसमें यंगस्टर्स हमारे बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं का है कि मोबाइल यूज करें, अब मोबाइल में इंटरनेट भी है, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्चुअली क्या है कि वो उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि वो पारिवारिक जो उनके मतलब यह वो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उधर गौर नहीं कर पाते। जब उधर गौर नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि वहाँ पे एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस या और भी कई बातें हैं, मसलन
प्रॉपर लाइफ स्टाइल करना होना, जैसे मॉर्निंग वॉक करना है, जो कुछ भी आप डाइट लें उसमें एटलीस्ट कम से कम फास्ट फूड और जंक फूड ना हो, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है. तो जब ये सब चीज़ें सब एक साथ मतलब जो है वो जुड़ने लगती हैं, तो फिर वहाँ से एक चीज पैदा होती है जिसको कहते हैं तनाव, टेंशन, टेंशन, टेंशन. हाँ. मैं यही अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस जो ये मोबाइल नाम की वस्तु है, जितना कम से कम हो सके यूज कीजिए. आप, मैं समझता हूँ कि आप 70% तनाव से तो अपने आप निकल जाएंगे. वेरी नाइस. आपने इतनी सारी बातें कहीं और इसका अच्छा विश्लेषण किया आपने. थैंक यू. तो मुझे लगता है उनकी इन बातों पर अगर हमारे दर्शक गौर करेंगे तो मुझे लगता है उनकी जिंदगी तनाव से दूर ही रहेगी. मैं यही चाहता. किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें. और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.